प्रेज द लॉर्ड, आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। मिलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यर्मिया की पुस्तक 10:6 में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। को पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जो अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। लिखे के भी नहीं, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। निश्चित तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, उके अपन दिल में जो गाय रखबो, उके अपन दिल में जो गाय रखबो, से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाय रखबो, ओके अपन दिल में जो गाय रखबो, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु
सुंदरिया है, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है, लाखों प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं इस आराधना के जरिए। निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है इस घड़ी समय प्रभु, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है कि हम इस चैनल पर परमेश्वर के साथ में संगति करें, वचनों को सीखें, ये सौभाग्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका हम इस चैनल पर आज के दिन स्वागत करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम आज के वचन में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू हमारी सुधि लेने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे भलाइयों के लिए, महाकरुणा, तेरे प्रेम, तेरे दया, तेरे आशीषों के लिए, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय जब हम तेरे वचन से मनन करते हैं। प्रभु सहायता कर प्रभु जी, प्रत्येक जन से बातचीत कर प्रभु जी, और प्रभु आज प्रत्येक जन को स्पर्श कर और आशीष दे प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी तक तू ही सबको नियंत्रण में रख, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले दिनों से हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कुछ सीरीज में दृष्टांत पर सीरीज शिक्षाएं दी जा रही हैं, और आज भी उन्हें दृष्टांतों में से एक दृष्टांत का हम लोग देखेंगे, और उसमें परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से सीखेंगे। और ये जो दृष्टांत है यह है द फ्रेंड एट मिडनाइट, अर्थात आधी रात में एक मित्र। और इसमें हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में वो सिखाते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, अर्थात हम उससे बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं तो परमेश्वर बातों को सुनता है, और ना केवल सुनता है परंतु वह प्रार्थना का उत्तर भी देता है। तो हम लोग देखने पाते हैं यहाँ पर लुका 11 अध्याय में 11 का एक वचन में, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। चेले वहाँ पर कई बातों को सीख रहे थे, और यीशु मसीह उनको सिखाने के लिए ही अपने साथ में रखा था, और चेले भी यूहन्ना को देखकर, उनके चेलों को देखकर प्रार्थना करने को सीखने की चाहत रखे, इसीलिए उन्होंने यीशु को सिखाने के लिए कहा। तब यीशु आगे उनको कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। यहाँ पर इतनी प्रार्थना लिखा गया है और यीशु ने उनको सिखाया। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो क्या करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है प्रार्थना में मांगना, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, फिर हमारे पापों को क्षमा कर, फिर हमें परीक्षा में ना ला। ये बात करने के लिए चेलों को ये करना था, तो इस प्रार्थना में यीशु ने चेलों को सिखाया। तो इसी को दृष्टांत में यीशु मसीह चेलों को सिखाते हैं। लूका 11 का 5 से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि उसका एक मित्र हो, तुम में से कौन है उसका एक मित्र हो। तो यहाँ पर एक मित्र कौन हो सकता है, तो मित्र बहुत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, तो इसको अगर हम देखेंगे यूहन्ना 15 का 15 में तो यहाँ लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह उनको चेलों को मित्र कहता है, तो चेले हैं तो सबसे अच्छा मित्र यीशु ही है। तो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो चेलों को सिखा रहा है कि मित्र जो है वो अपने दूसरे मित्र के पास में जाता है, 3 रोटियां मांगता है, क्योंकि मांगने वाला जो मित्र है उसके यहाँ एक यात्री मित्र आया है और उसके पास में भोजन रखने के लिए कुछ भी नहीं है, भोजन देने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है। तो आगे लिखता है, और वह भीतर से उतर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुम्हें दे नहीं सकता। उसका मित्र है और आधी रात को वह गया है और वह सो गया है और उसके बच्चे परिवार के लोग साथ में सो रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि मुझे दुख ना दे, क्योंकि मेरे बालक मेरे साथ में बिछौने पर सो रहे हैं। लेकिन जिस मित्र को जो आवश्यकता है रोटी की, वो और क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तब भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। अर्थात वो रात में जब गया है, रात में गया है तो नींद में है, लेकिन वो लज्जा को छोड़कर, अपनी लज्जा को छोड़कर वो मांगेगा ही। तो लिखता है कि उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। आधी रात को जब गया था वह मित्र अपने मित्र के पास में, तो हम पवित्र शास्त्र में अगर देखेंगे तो आधी रात को क्या क्या हुआ है, वचनों को अगर हम देखेंगे तो आधी रात को क्या हुआ है,
यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं भजन संहिता 119 का 62 में, यहाँ पर लिखता है दाऊद कि आधी रात को मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। क्यों धन्यवाद करेगा? उसमें परमेश्वर का अच्छा गुण है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके कारण से आधी रात को भी दाऊद राजा धन्यवाद करने की बात को कहता है। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। परमेश्वर का जो नियम है धर्ममय है। आधी रात को उठने का क्या जरूरत है? लेकिन जरूरत को दाऊद राजा वो समझा था, क्योंकि परमेश्वर जिसके पास में वो जाता है, जिसकी वो आराधना करता है, जिसको वो धन्यवाद देता है, उसके नियम धर्म में है। अर्थात जो भी वो करता है, वो जो नियम है वो वैसा होता है, वैसा वो करता है। और फिर हम लोग नया नियम में देखते हैं आधी रात को क्या हुआ था। प्रेरितों के काम 16 का 25 और 26, इसको यहाँ पर लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ये आधी रात में पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है क्या स्थिति है, वो लोग जेल में है और वहाँ पर प्रार्थना करना या तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, भजन गाना, ये एक मुश्किल सा काम है जेल में। लेकिन ऐसे जगह में, ऐसे समय में, आधी रात में वे लोग जब प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, तो वहाँ पर कैदी लोग सुन रहे थे। और क्या होता है कि वहाँ बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म होता है, भूकंप होता है, बंदीगृह की नींव हिल जाती है और सब द्वार खुल जाते हैं और सबके बंधन खुल जाते हैं। तो यीशु मसीह दृष्टांत में यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आधी रात को वह मित्र अपने दूसरे मित्र के पास में वो गया है और जब वहाँ गया है तो उसको लज्जा को छोड़कर उससे मांगना पड़ रहा है। अर्थात वो देखिए, हो सकता है जो उसका मित्र रात को जब आया है तो ऐसे भी बोल सकता है कि कल सुबह में खा लेना, अभी थोड़ी ही देर बाकी है, 6 घंटा, उसके बाद सुबह खा लेंगे, खुद बना लेंगे और खा लेंगे, ऐसे भी बोल सकता था। लेकिन नहीं, वो तो यात्री मित्र है। यात्री मित्र कहने से वो बहुत दूर से आया है और वो थका हुआ है। और ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि रात में क्यों आया, शाम तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र में और भी दूसरे वर्षन के बाइबल में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जहाँ पर यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे वहाँ के लोग रात को यात्रा करते थे, दूसरे मित्र के घर, रिश्तेदारों के घर जब जाते थे तो रात में वो लोग यात्रा करते थे और आधी रात तक भी वे लोग यात्रा करते थे। तो जो कुछ वहाँ होता था उन्हीं सब को देख के यीशु मसीह दृष्टांत में बताते हैं। तो आधी रात को वो जान रहा है कि उसका जो यात्री मित्र है भूखा है, थका हुआ है और बिना उसको खाना दिए सोएगा तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो वहाँ जाता है और अपने मित्र के पास में जब गया है तो वो जानता है कि उसका मित्र के पास में देने के लिए भोजन वस्तु है, तो इसलिए वहाँ जाता है। और आधी रात है फिर भी वो लज्जा को छोड़कर वो उसको मांगता है। तो 9 में कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो,
उसके पहले मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पर जो मित्र है वो मांग रहा है और ढूंढ रहा है और खटखटा भी रहा है, क्योंकि आधी रात को तो दरवाजा बंद हो गया है। तो यहाँ हम लोग को सीखने वाली ये बात है कि जो मित्र मांगने गया है वो केवल तीन रोटियां ही मांग रहा है, मुझे तीन रोटियां दे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वो दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, और तीन रोटियां। तीन रोटियां कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, इसलिए तीन रोटियां वो मांग रहा है। तो वास्तव में अगर हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में रोटियों के विषय में तो बहुत प्रकार की रोटियां हैं, लेकिन मांगने लायक जो रोटियां हैं उनमें से हम कुछ रोटी को देखेंगे, तीन रोटियों को देखेंगे। मत्ती 6:11 में, मत्ती 6:11 यहाँ पर लिखता है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है, उसमें से एक प्रार्थना है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर लोगों को, अपने सृष्टि किए हुए लोगों को भोजन वस्तु देता है, फिर भी यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर जानता है कि इसको भोजन की आवश्यकता है, फिर भी हम अपने तरफ से, हमें भूख लगती है बोल के हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को सिखाता है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसी को इधर हम नीति वचन में देखते हैं, प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन की जो रोटी है, नीति वचन 30:8-9 में, यहाँ सुलेमान राजा बहुत अच्छी बातों को लिखा है। हाँ, 7-9 30 नीति वचन 7-9। मैंने तुझसे दो वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करो और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लो। भोजन वस्तु ज़्यादा हो जाने से या तो कम हो जाने से भी मुँह से कुछ जो बातें नहीं निकलना चाहिए आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना करने वाला सुलेमान राजा वो बहुत अच्छी प्रार्थना करता है कि मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। अर्थात हमें हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, और प्रतिदिन जो रोटी आवश्यकता है तो हम प्रभु परमेश्वर से वो प्रार्थना में मांग सकते हैं। फिर यशायाह 33:15-16 में भी यहाँ पर हम लोग रोटी के बारे में देखने पाते हैं। यशायाह 33:15-16 यहाँ लिखता है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा।
वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। यहां पर देखिए, किसको वो रोटी मिलेगी और पानी की घटी उसको कभी नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता होती है। धर्म से चलना और सीधी बातें बोलना, अंधेर के लाभ से घृणा करना और घूस नहीं लेना, और खून की बात सुनने से कान बंद करना और बुराई देखने से आंख मूंदना। ऐसा जब करते हैं तो आगे लिखता है कि उसको रोटी मिलेगी, पानी की घटी कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिटरली शरीर के लिए जो भोजन है, रोटी की आवश्यकता है, उसको हम ले सकते हैं। और परमेश्वर देता है भोजन वस्तु, लेकिन फिर भी देता है तो हम धन्यवाद के साथ में उसको जब मांगते हैं तो परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। तो पहली जो रोटी है, तीन रोटियों में से हमारे शरीर के लिए जो दिन भर की रोटी हमको आवश्यकता होती है, हम परमेश्वर के को धन्यवाद देकर हम उनसे मांग सकते हैं। वो भले हमको दिया ही है, फिर भी हम धन्यवाद दे के मांग सकते हैं, अर्थात हमारे शरीर में उसको ग्रहण कर सकते हैं। फिर दूसरे प्रकार की जो रोटी है, तीन रोटियों में से दूसरी जो रोटी है, जीवन की रोटी, ये यूहन्ना 6 अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं। यूहन्ना 6 का 35 में यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी, दूसरी जो रोटी है तीन रोटियों में से, जीवन की रोटी, और वो रोटी यीशु मसीह है। और यही बात 6:48 में भी यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर 6:51 में भी कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि यीशु जीवन की रोटी है। अभी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु तो एक व्यक्ति है, वो रोटी कैसे हो सकता है, लेकिन वचन को अगर हम देखेंगे, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1 अध्याय में ही यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कि वही वचन देह धारण किया, और वो जब जन्म हुआ तो उसी का नाम यीशु है। तो यीशु आदि में वचन था, तो वचन ही जीवन की रोटी है। और यीशु कहता है कि जो यीशु के पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर अर्थात वचन पर विश्वास करता है, या यीशु पर या वचन पर विश्वास करता है, वह कभी प्यासा ना होगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद वह रोटी है जो जीवन की रोटी है। इस दुनिया में भूख और प्यास बहुत लोगों को, सब लोगों को लगती है, और संसार की जो भूख प्यास है अलग प्रकार की है, ना केवल रोटी की भूख, ना केवल पानी की प्यास, लेकिन बहुत प्रकार के, जैसे कि पैसा कमाने का भूख प्यास, जैसे कि बड़ा नाम कमाने का भूख प्यास, जैसे कि संपत्ति बनाने का भूख प्यास, या तो और भी अपने इस दुनिया में नाम कमाने के लिए बहुत परिश्रम करने का, करते करके और भी उन्नति करने का भूख प्यास लोगों में रहता है, लेकिन ये जो भूख प्यास है उससे तृप्ति नहीं होती, कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस प्रकार का रोटी है, जो भी उसके पास में जाता है वो फिर भूखा नहीं होगा। अर्थात जो भूख लगती है जीवन में, जो भूख है,
यीशु मसीह के पास में भूख मिटाने के लिए वो बातें हैं, यीशु के वचनों में वो बातें हैं जो हमको भूख लगती, कई बातों को लेकर यीशु के पास में उसके वचनों को जब हम सुनते हैं तब वो भूख मिट जाती है। और फिर विश्वास करने वाला कभी प्यासा नहीं होता है। यीशु के वचनों पर जब हम विश्वास करते हैं तो, और संसार में नाना प्रकार की प्यास हैं, वो प्यास नहीं लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरी प्रकार की जो रोटी है वो है जीवन की रोटी, और तीन रोटी में से तीसरी प्रकार की जो रोटी है वो लड़कों की रोटी, उसको हम लोग देखेंगे मत्ती 15 अध्याय में। मत्ती 15 अध्याय में यहाँ पर एक सुरुफिनी की जाति की कनानी स्त्री है और उसके परिवार में समस्या ये है कि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है और उसके कारण से उसका परिवार अशांति में है, परेशानी में है। और वो जान गई थी कि यीशु ठीक करता है, चंगा करता है, इसलिए यीशु वहाँ से निकल रहा था जहाँ पर वो कनानी जाति की स्त्री थी, वहाँ से वो निकल रहा था, वहाँ से वो जा रहा था, तो वो चिल्ला कर कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तब यीशु कुछ भी उत्तर नहीं दिया और चेलों ने तब आकर विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुए आ रही है। तब यीशु कहता है कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो जो कनानी स्त्री थी वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। पहले तो ऐसे ही चिल्ला रही थी दूर से, लेकिन वो पास आई, यीशु ने तो कुछ उत्तर दिया नहीं और चेलों ने यीशु से कहा था कि इसे विदा कर, लेकिन यीशु मसीह मना कर रहा था कि मैं इसराइलियों को छोड़ किसी भी घराने के पास में या व्यक्ति के पास नहीं भेजा गया हूँ, इसराइल के घराने के खोए हुए भेड़ों को ही मैं ढूंढने के लिए आया हूँ कह के कहता है। लेकिन ये जो है वहाँ पर क्या करती है, प्रणाम करती है। पहले साधारण तौर से बोल रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अभी जाके प्रणाम कर रही है, दंडवत कर रही है। और तब वो कहते, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तब यीशु कहता है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो यहां पर लड़कों की रोटी यीशु ने कहा और सुरुफिनी की कनानी स्त्री को क्या चाहिए था, उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी उसे छुटकारा। लेकिन यहाँ यीशु मसीह अलग तरीके तरह से बोलते हैं, तो ये तो इसको तो चाहिए था, चंगाई चाहिए था, बेटी की चंगाई छुटकारे की आवश्यकता थी। तो इसने कितने अच्छी बात को कहा कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। चूर चार जो गिरता है उसको कुत्ते खाते हैं। तो लड़कों की रोटी ये चंगाई छुटकारा चाहिए था उस कनानी की स्त्री की बेटी को, तो इसको लड़कों की रोटी कह के कहता है। और वो भी लड़कों की रोटी मतलब लड़के इसराइली लोग, केवल इसराइली लोगों के लिए ही मैं जो आशीष को लेकर आया हूँ वो देने वाला हूँ। लेकिन वास्तव में तो यीशु मसीह केवल इसराइली लोगों के लिए नहीं आए थे, लेकिन वहाँ पर वो कहता है। हो सकता है कितना तक विश्वास करती है उस बात को वो
देखना चाहता था, लेकिन सच में ये जो स्त्री ये पीछे पड़ी और कहती कि सत्य है प्रभु, कुत्ते भी चूचर खाते हैं। अर्थात अगर चंगाई रोटी है तो रोटी का टुकड़ा भी तो चंगाई होगा, और हमको वही चाहिए इस समय में, तो वही चाहिए। तो क्या देखिए यहाँ क्या कहता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। अर्थात यीशु विश्वास को ही देखना चाहता था कि ऐसे ही चिल्ला रही है या सच में विश्वास है कि उसकी बेटी छुटकारा पाएगी। तो उसके बातों से पता चलता है, उसके एक्शंस से पता चलता है, उसने जब दंडवत किया, प्रणाम किया, उससे पता चलता है कि इसमें वो विश्वास है। तभी यीशु कहता है कि हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो हम यहां पर देखने पाते हैं जो मित्र था, वो मित्र अपने मित्र के पास में गया था और उससे मांगा 3 रोटी। तो हम अपने जीवन में 3 रोटियां अपने मित्रों के लिए मांग सकते हैं, हमारे मित्र यीशु मसीह के पास में जाकर, क्योंकि अपने चेलों को वो मित्र कहता है। और मित्र कहता है तो परमेश्वर की सारी बातों को वो बता चुका है कि परमेश्वर मेरा पिता परमेश्वर किस प्रकार वो का परमेश्वर है, वो जगत के सब लोगों के लिए भला परमेश्वर है, जगत के लोगों के लिए जो आवश्यकता है, आत्मा प्राण शरीर में जो आवश्यकता है, सब कुछ को पूरा करने वाला है। जैसे कि परमेश्वर शरीर प्राण आत्मा के लिए जो उद्धार की आवश्यकता है उसका प्रावधान किया है, और पापों से उद्धार का प्रावधान किया है, बीमारी से चंगाई का प्रावधान किया है, दुष्ट आत्मा और सैतानिक शक्ति के बंधन से छुटकारे का प्रावधान किया है, ये सब परमेश्वर के संतानों के लिए हैं। और ये पारिवारिक अधिकार है, कानूनन अधिकार है, और अलौकिक अधिकार है, और छुटकारे का अधिकार है। और इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं वो इसराइली लोगों को छोड़कर भी दूसरे जाति के लोग हैं, सबके लिए परमेश्वर बराबर है जो लोग विश्वास करते हैं। खासकर यीशु मसीह तो यहूदियों के लिए, इसराइल के लिए आया, लेकिन परमेश्वर तो सबका परमेश्वर है। इसलिए जो भी विश्वास करता है, क्योंकि अगर हम वचन में देखेंगे तो परमेश्वर जगत के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, जगत के जगत से कहने से जगत में जितने भी लोग हैं उनसे प्रेम रखा, ना केवल इसराइली लोगों से, लेकिन जगत में जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में यह कहता है कि उनसे वो प्रेम रखा। एक ऐसे अफ्रीकन बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से अपने हृदय में ऐसा दर्द को रखा, उसके हृदय में ऐसा दर्द हुआ कि अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तो आखिरी वाली बात है, अनंत जीवन, लेकिन उसके पहले जितने भी प्रकार की जो आशीषें हैं वो आशीषों के लिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर से वो प्रार्थना करके वो प्राप्त कर सकता है। तो 3 रोटियों में से यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस दृष्टांत में जब सिखा रहा है तो वहाँ 3 रोटियाँ जो कि हमारे जीवन में ये रोटियाँ आवश्यकता है, तो ये 3 रोटियाँ परमेश्वर देना चाहता है। यीशु मसीह ने वो सिखाया तो हम परमेश्वर से वो मांग सकते हैं। 3 रोटियों में हम लोगों ने जो देखा, दिन भर की रोटी, परमेश्वर जानता है
हमारे शरीर को भोजन रोटी की आवश्यकता है, फिर भी हम धन्यवाद देके परमेश्वर से मांग सकते हैं। फिर जीवन की रोटी यीशु अर्थात वचन, वचन हमको जो चाहिए प्रतिदिन वो हम मांग सकते हैं, और वो वचन जब हमको मिलता है तो वो हमारे आत्मा के लिए वो बहुत ही लाभदायक होता है। और फिर जो हमारे जीवन में कुछ भी समस्याएं होती हैं या हमारे शरीर में कुछ भी दुर्बलताएं बीमारियां होती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए भी हम उस चंगाई को रोटी के रूप में ले सकते हैं, जो कि लड़कों की रोटी है, और हम उसे विश्वास के साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर विशेषकर यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करने के संदर्भ में इस दृष्टांत को कहकर बताया। तो प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह चेलों को सिखाया, तो हम भी जब वैसे प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर निश्चय उन प्रार्थनाओं को सुनकर आशीष देगा। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता था कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो, कह के बताता या नहीं भी बताता है तो वो चला जाता था और एकांत में जाके प्रार्थना करता था। और जब प्रार्थना करता था तो जरूर इन्होंने यीशु की प्रार्थना को सुना होगा, क्या प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रार्थना करता है तो दिन में वो काम करता है तो वो होता है, वैसा ही होता है। तो इसीलिए इन्होंने भी पूछा और कहा कि हमें भी प्रार्थना करने सिखा। तो प्रार्थना किस प्रकार शुरुआत करना चाहिए, मत्ती 11:25 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ संबोधित करने के लिए कहता है, कैसा संबोधन, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अर्थात हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम बाइबल को और भी पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता उसको तुम्हें देगा। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर पिता से मांगेंगे, हे पिता, क्या बोल के, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो संबोधित करेंगे पिता, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ में है, पिता और पुत्र, बाप और बेटा का, या तो बेटा और बाप का जो रिश्ता होता है वैसा रिश्ता, उसी प्रकार हम उससे मांगेंगे। और किसको मांगना है प्रार्थना में, किसको मांगना है, यूहन्ना 15:16 या तो मत्ती 6:9 फिर यूहन्ना 16:26 में हम देखते हैं, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगना है और वह हमें देगा। तो यहां पर और भी आगे हम लोग देखते हैं कि जब मांगते हैं तो किसको हम आदर करेंगे, आदर के साथ मांगना है, ऐसे पूरा जैसे तैसे नहीं मांगना है, आदर के साथ मांगना है। वहाँ जिससे हम मांग रहे हैं तो उसको आदर करेंगे। यहाँ लिखता है, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु जब से प्रार्थना चेलों को सिखाया तो सबसे पहले क्या करना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर के नाम को हम पवित्र मानेंगे, ना केवल कहकर लेकिन सच में मन से हृदय से परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना है। फिर तेरा राज आए, तो यहां पर क्या है कि तेरा राज आए कहने से परमेश्वर के हृदय की जो इच्छा है, मन परमेश्वर की जो इच्छा है,
वैसा वाला इच्छा, वैसा वाला काम, वैसा वाला वस्तु आए, तेरा राज आए, मतलब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की ही इच्छा, हमारी इच्छा नहीं है ना। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में रहता है, और प्रार्थना करते रहते हैं फिर होता कुछ नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की जो इच्छा है उसी में से परमेश्वर जो देना चाहता है उसको हमें जानने की आवश्यकता है। जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको देता है, और जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें क्या है, परमेश्वर का उसमें दिलचस्पी होना चाहिए। जो प्रार्थना करते हैं जिस बात के लिए, जिस काम के लिए, हाँ, वर्तमान में आप किसी भी चीज़ की के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको दे यीशु मसीह के नाम से, तो उसमें परमेश्वर का भी दिलचस्पी होना चाहिए। और आप केवल अपना दिमाग लगा के मांग रहे हैं और परमेश्वर वो नहीं चाहता है तो ये नहीं सुना जाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की दिलचस्पी को रखें, जानें, और उसी दिलचस्पी वाली बात या विषय या वस्तु को हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगें। मत्ती 22 का 37 आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि तू अब परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे बुद्धि से, शक्ति से प्रेम रख। तो ये किस प्रकार हम प्रेम रख सकते हैं, परमेश्वर को जानेंगे तभी हम प्रेम कर सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या इच्छा रखता है हमें देने के लिए, या जो भी मांगते हैं उसके प्रति परमेश्वर का दिलचस्पी है कि नहीं, ये जानने की आवश्यकता है। तो क्या मांगना चाहिए, हम लोग पहले ही देख चुके क्या मांगना चाहिए। कई बार हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, मतलब जो भौतिक चीज़ें हैं उन सबको मांगते हैं, वो भी आवश्यकता है, लेकिन सच में क्या वो सब आवश्यकता है। अगर परमेश्वर की दृष्टि में आवश्यकता वाली चीज़ है तो ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मांग सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, तेरा राज आए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर का राज आए, ऐसा हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। फिर दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमें बुराई से बचा, परीक्षा में ना डाल, हमें बुराई से बचा। इन सब बातों के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर किस प्रकार हम परमेश्वर के निकट में, किस प्रकार हम परमेश्वर के निकट में हियाव के साथ में वहां पर हम लोग प्रार्थना में जा सकते हैं। पहला यूहन्ना 3:21-22 में लिखता है, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन हमें दोष नहीं देना चाहिए। इसीलिए बहुत अच्छी बात को सिखाया कि हमारे पापों को क्षमा कर। पहले जब हम पापों को क्षमा मांगते हैं या याद करते हैं कहाँ पर भूल किए थे, या तो पवित्र आत्मा से कहते हैं कि मैंने कहाँ भूल किया मुझे बता, और जब पवित्र आत्मा बताता है और हम लोग जब फिर प्रभु से क्षमा को लेते हैं, यीशु के लहू को लेते हैं, तो हमको हियाव होगा। और नहीं तो ऐसे ही जाते ही मांगने लगेंगे तो ये अटपटा सा लगेगा। तो इसीलिए हमारा मन हमें दोष नहीं दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ क्या है, तीन बातें हैं, हमारा मन हमें दोष नहीं देना चाहिए, और हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, और हमें वही करना है जो उसको भाता है,
और ऐसा करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमारे अगल बगल के या तो पड़ोसी लोगों के साथ या जिनके साथ में हम उठना बैठना करते हैं उनके साथ में हम जब प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार का उनके साथ में हमारा जीवन होना चाहिए। प्रार्थना करते हैं तो पड़ोसी या मित्र या परिवार के लोगों के साथ में किस प्रकार का हमारा बर्ताव या जीवन होना चाहिए। मरकुश 11:25 में लिखता है, जब कभी हम खड़े हुए प्रार्थना करते हैं तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करें। क्षमा करना है, किसी के प्रति विरोध है परिवार में या तो पति पत्नी में कुछ बात को लेकर अनबन है तो सबसे पहले एक दूसरे को क्षमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे तब उस प्रार्थना को प्रभु सुनकर उत्तर देगा। इसलिए कि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा करता है तो हम एक दूसरे को क्षमा पहले करें तब प्रार्थना करें। ऐसा जब करते हैं उस प्रार्थना को निश्चय परमेश्वर सुनता है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ किस प्रकार हमको जीवन बिताना है, हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है परमेश्वर के साथ में। यूहन्ना 17:2-3 में लिखता है, पिता ने पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें उसने पुत्र को दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है जाने। तो परमेश्वर चाहता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को लोग जाने और जिससे अर्थात यीशु को इस दुनिया में भेजा था उसे जाने, और यही अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर को जानते जाना है और अधिक जानते जाना है, यीशु को और अधिक जानते जाना है। तो इस प्रकार का जीवन परमेश्वर के साथ हमारा होना चाहिए। प्रतिदिन हम परमेश्वर के गुणों को और परमेश्वर के और भी जो काम करने वाला का तरीका है उसके बारे में और जाने, उसको हम जाने और यीशु मसीह के बारे यीशु मसीह को और भी जाने, यही परमेश्वर चाहता है। इस प्रकार जब हम प्रतिदिन परमेश्वर को और यीशु मसीह को खोजते रहते हैं तो ऐसा करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उत्तर देता है। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमको साहस होना चाहिए, हियाव होना चाहिए। किस प्रकार का हियाव होना चाहिए? परमेश्वर का मित्र के समान। परमेश्वर का मित्र एक जो अनजान व्यक्ति है, मैं किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार कभी मिलता हूँ और उसे अचानक से नहीं मांग सकता हूँ। प्रार्थना वैसा ही है, परमेश्वर को पहले जानना है, यीशु मसीह को जानना है, और जब जानने लगते हैं तो इस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा मित्र है और मित्र से जब मांगा जाता है तो वो देता है। जैसा यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि परमेश्वर की सब बातों को तुम्हारे जीवन में प्रकट किया है। तो इब्रानियों 4:16 में कहता है, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारे जीवन में कई विषयों पर हम प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो वो प्रार्थना कब ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा? जब हम परमेश्वर को अपना मित्र के रूप में मानेंगे, प्रभु को अपना मित्र के रूप में मानेंगे जानेंगे तो उसके लिए वैसा ही जीवन होना चाहिए। पहले तो यीशु
जितने लोग थे उनको जब बुलाया तो उनको चेला कहा, उसके बाद में उनको दास कहा, उसके बाद में मित्र कहा, और बाद में भाई कहता है। भाई कहने से ब्लड रिलेशन आ जाता है, भाई का पूरा हक हो जाता है, मित्र का थोड़ा कम होता है लेकिन बहुत सारी बातें जान सकता है। तो हमें मित्र जानना है, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध रखा विश्वास के द्वारा से, विश्वास ऐसा किया कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, तो हम भी वैसा विश्वास करने लगेंगे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कामों के प्रति, परमेश्वर का जो गुण है उन गुणों को लेकर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। तो अब्राहम तक नहीं पहुंचने पर भी कुछ हद तक एक मित्र के रूप में हम परमेश्वर के साथ में बातें कर सकते हैं। जब ऐसा संबंध रहता है तो हमको हियाव होता है और अनुग्रह के सिंहासन के पास में हम बांध कर जाते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं तो दया करता है। वह जिस प्रकार की भी अनुग्रह की आवश्यकता होती है उस प्रकार के अनुग्रह को हम हमारे ऊपर में वो आशीष के रूप में देता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो ज़्यादा प्रार्थना नहीं करके जो भी प्रार्थना करते हैं उस पर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये होगा। कहते हैं मरकुश 11:22-24 में, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रार्थना करके मांगते हैं प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया, तो वो परमेश्वर की भी इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए, उसमें परमेश्वर दिलचस्पी रखना चाहिए। तो ऐसा जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रतीति कर लें और उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, उसकी दिलचस्पी नहीं है, और प्रतीति करने से भी नहीं होगा। तो पहले जानना है कि वो परमेश्वर की ओर से वो क्या सच में ये बात, ये जो चीज़, ये जो बात, ये काम हो सकता है, तो ये कन्फर्म हो जाना चाहिए वचन के द्वारा या तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार। कलीसिया ही प्रार्थना करते हैं उस समय में, कलीसिया में जो आवश्यकता है तो निश्चय परमेश्वर की ओर से भी वो इच्छा है कि ये कलीसिया में हो, कलीसिया में रहे ये वस्तु। या एक परिवार में जब प्रार्थना करते हैं तो उस समय में क्या उस चीज़ की आवश्यकता है, और नहीं है केवल रखने के लिए ही प्रार्थना करते हैं तो कैसे, कुछ काम में आना चाहिए, प्रभु की महिमा उससे होनी चाहिए। तो निश्चय परमेश्वर उन बातों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं जिसके लिए परमेश्वर भी चाहता है तो हम प्रतीति करना है, और प्रतीति करना है कि वो मिल गया है तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा कहता है। हालेलुया। और जब प्रार्थना करते हैं तो कहता है विश्वास रखो और संदेह ना रखो। विश्वास रखना है और संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। और क्या होता है कि हम लोग नहीं जानते हैं प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा पर जब हम निर्भर होते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर प्रार्थना करना चाहिए। और पवित्र आत्मा पर निर्भर कैसे होंगे, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और परमेश्वर एक हैं, और जो भी वे करते हैं उनमें उनकी इच्छा होनी चाहिए। तो इसीलिए पवित्र आत्मा से जब हम कहते हैं तो पवित्र आत्मा सहायता करता है किस प्रकार प्रार्थना करना है। तो रोमी 8:26-27 में कहता है, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है,
वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम लोग अपना बुद्धि लगा के विनती प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है या पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहता है वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और यहूदा 1:20 में भी लिखता है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो पवित्र आत्मा से हमको गाइडेंस लेना है। जब हम ऐसा करते हैं तो कहते हैं पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, तो पहले क्या होना चाहिए? पवित्र। पवित्र का मतलब क्या है कि परमेश्वर जिन बातों को हमारे जीवनों में, हमारे मन हृदय में नहीं चाहते हैं, उनको निकालना है और फिर परमेश्वर से कहना है कि जो कुछ मेरे अंदर में है प्रभु, तेरी दृष्टि में सही नहीं है तो मुझे प्रकट कर, वह मेरे जीवन से जाता रहे, जाना जाने पाए, तू ही मुझे पवित्र कर, तेरे वचन के द्वारा पवित्र कर। जब मैं तेरे वचन को सुनता हूँ तो तेरा वचन मेरे जीवन में कुछ गलतियों उसके अनुसार, जब मैं गलत होता हूँ तो मैं सुधर जाऊँ और तेरे लहू के द्वारा से मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। ऐसा जब हमारे मन में, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें रहती है, उसको वचन और लहू के द्वारा से हम शुद्ध होते हैं तो तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र जन हो जाने के कारण से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करने में हमारी सहायता करता है, या हम में होकर ही पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है और तब परमेश्वर उसको सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। फिर ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि प्रार्थना करते हैं और हमारा प्रार्थना नहीं सुना देता है, दूसरा सुनता है, दूसरे का प्रार्थना सुना जाता है, मेरा नहीं सुना जाता है। तो ये जानना चाहिए कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और परमेश्वर जिस प्रकार की प्रार्थना को चाहता है, जिस प्रकार की बातों को चाहता है, वैसा जब हम करते हैं तो निश्चय हर एक जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसी के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना के विषय में जब सिखा रहा है तो कहता है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, बुरे होकर पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं जब देना जानते हैं तो कहता है कि स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा जरूर देगा मांगने वालों को। क्यों देगा पवित्र आत्मा? ताकि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना करें। तो यहाँ प्रार्थना को लेकर दृष्टांत में यीशु ने ये बातें आखिर में लिखा है कि पवित्र आत्मा मांगने वालों को स्वर्गीय पिता जरूर देगा। तो आइए हम लोग आज की जो शिक्षाएं हैं, आज की जो बातें, हम लोगों ने जो वचन को सुना है उसी के अनुसार हम लोग अपने प्रार्थना का जीवन को आगे बढ़ाएं और निश्चय परमेश्वर आप सबकी सहायता करेगा और हम सबकी सहायता करेगा। और हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारे रुकी हुई प्रार्थनाएं, ओ उसका उत्तर मिलेगा, या तो कुछ ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो कि परमेश्वर पसंद नहीं करता है तो हम उसको बंद कर देंगे। और हम जो जानेंगे कि कौन से विषय में प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, उन्हीं विषयों पर हम प्रार्थना करेंगे और निश्चय हम प्रार्थना का उत्तर को पाएंगे। प्रभु इन वचनों पर सबको आशीष देवे। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं
तेरे वचनों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू आशीष देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी तू पहले से जानता है, फिर भी प्रभु हम मांगते हैं, और जब वो आवश्यकता की बातें चीज़ें हम तुझसे मांगते हैं और तू उसे देना चाहता है प्रभु, तो निश्चय हम पाते हैं। लेकिन अगर वो तेरी दृष्टि में अच्छी नहीं है तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और वो हमें देरी होता है या नहीं मिलता है प्रभु, तू तेरे लोगों से बात किया प्रभु, तू प्रभु जी हर एक के जीवन में ऐसा काम कर प्रभु जी कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, जैसा प्रभु स्वर्ग में तू इच्छा रखता है वैसे इस पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु तेरे वचन को जो सुने हैं प्रभु जी, जो प्रार्थना करते हैं अपने परिवार में होकर और व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया में प्रभु जी, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो और उन प्रार्थना को तू उत्तर दे प्रभु जी, और पवित्र आत्मा प्रत्येक जन की सहायता कर प्रभु, प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तू ही प्रभु जी अभिषेक कर, तू ही प्रभु चला। हम धन्यवाद देते हैं, निश्चय तूने वचन के द्वारा बातचीत की, आशीष के धन्यवाद देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।